बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स ग्रेड 8 यूनिट 2 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, पार्ट आई 1.21। सॉल्यूशन 1.21 is equal to 1.21 divided by 100। सो स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं जो भी डेसिमल्स गिवन है, बट हमने कौन से मेथड से फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। सो सबसे पहले हमने अपने पॉइंट को सॉल्व किया है, पॉइंट को हमने खत्म किया है, पॉइंट की जगह हमने लिखा है 1 और पॉइंट के राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स हैं उतने हमने जीरोज लिख दिए। सो हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया 121 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने क्या लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, क्योंकि हमें कहा गया है कि आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। सो हमने स्क्वायर रूट लिया है, हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 121 डिवाइडेड बाय 100। बट आपको पता है कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी भी है कि हम अपने स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं। सो हमने 121 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट डाला है और 100 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट डाला है। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो वैल्यू है 121, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिए हैं 11, 1 इज 11। अब 1 को हमने पीछे लिखा है, सो 11, 1 इज 11। सो नाउ 11, 1 इज 11। आप देख सकते हैं 121 के पेयर्स क्या है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की हुई, इस लाइन का मतलब ये क्या है कि ये पेयर की फॉर्म में है। इसी तरह 100 के आप क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर्स लेंगे जो कि आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनके ऊपर भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, इट्स मीन ये भी क्या है, पेयर्स की फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, हम इस अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी कर चुके हैं कि जो दो वैल्यूज होती है जो पेयर की फॉर्म होते हैं हम उन्हें स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने क्या लिखा, स्क्वेयर रूट ऑफ 11 की पावर 2, यानी कि 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम। इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में भी लिखा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। स्क्वेयर रूट देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने 11 की पावर जो 2 है उसको और स्क्वेयर रूट को क्या किया है, कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है, 11 डिवाइडेड बाय। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्वेयर रूट है वो दोनों वैल्यूज के ऊपर हमने एक ही स्क्वेयर रूट डाला है। सो हम इसको ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, हमने पहले क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। सो हमने यहाँ पर क्या किया है कि स्क्वेयर रूट ऑफ 2 को और स्क्वेयर रूट ऑफ 5 को अलग अलग लिखा है। तो हमारा अब हमने क्या करना है, इसी स्टेप में हम मैंने कैंसिल कर दिया है 2 की पावर 2 और स्क्वेयर रूट को कैंसिल किया है, और 5 की पावर 2 और स्क्वेयर रूट को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। सो कैंसिल करने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 11 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 11 बाय 10, 2 5 4 10। बट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो किसमें था, डेसिमल में था। इट्स मीन हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी किसमें आना चाहिए, डेसिमल में। सो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू 1.1। जस्ट यहाँ पर क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना 11 बाय 10 को, डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1। पार्ट वी आई 12.25। सॉल्यूशन 12.25 इज इक्वल टू 12.25 डिवाइडेड बाय 100। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, पॉइंट को सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 12.25 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने क्या किया है कि हमने स्क्वायर रूट लिया है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन की है। सो 12.25 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और जो हमारे पास 100 है, 100 के पेयर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में आप स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर जस्ट आप लाइंस ड्रॉ कर दें, यानी कि ये शो करने के लिए आपके पास क्या है, पेयर्स की फॉर्म में है। मैंने नेक्स्ट स्टेप की जगह यहाँ पर ही लाइन ड्रॉ कर दी है कि आपको ये बताने के लिए ये हमारे पास क्या है, पेयर्स है। सो हमने 5 की जो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है इसको लिखा 5 की पावर 2, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को लिखा 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2।
अब हमने क्या करना है, हमने अपने रूट स्क्वायर रूट को सेपरेट करके लिखा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 की पावर 2. डिनोमिनेटर में भी हमने यही सेम प्रोसीजर किया है. सो जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट है और 2, यानी स्क्वायर को और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, तो उसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 7 are 35, 2 5 are 10. अब आप फिर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारे पास किस में था, पॉइंट्स में था, यानी डेसिमल्स में था. सो हमारा आंसर भी किस में आना चाहिए, डेसिमल में. सो स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज इक्वल टू 3.5. जस्ट आपने यहाँ पर भी क्या करना है, 35 को 10 के ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड. क्वेश्चन नंबर आए 0.3249 सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है. ये जो डेसिमल्स गिवन है इन्हीं का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से. सो अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे हमने इसे प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया था, हम बिल्कुल वही प्रोसीजर को, उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉइंट्स है. सो सबसे पहले हमने डिवीजन बनाए, अब डिवीजन की हमने वैल्यूज लिखी और हमने यहाँ पर पेयर्स बना दिए. जो आप देख रहे हैं 32, 49 के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है. इस लाइन का क्या मतलब है, ये हमारे पास पेयर्स हैं. सो सबसे पहले, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पेयर है 32, इसको हमने सॉल्व करना है. आप देख सकते हैं कि पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है, जीरो. अब जीरो को हम सॉल्व करें या ना करें, इसमें कोई उसका क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जीरो जीरो आर जीरो, तो हमारे पास जीरो ही आएगा. सो सबसे पहले हमने क्या किया है, 5 5 आर 25. अब आप देखें 32 में से जब 25 को हमने माइनस किया है तो हमारे पास क्या आया है, 7. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 5 5 आर 25. 32 माइनस 25 वी गेट 7. अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है हम उसको डबल कर देते हैं. सो 5 5 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10. नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने लिखा है 107 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया है, 749. सो हमारा आंसर क्या है, 749. जबकि हमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व जिसको हमने किया था उसमें भी हमें क्या चाहिए था, 749. सो हमने अपने क्वेश्चन में लिखा 107 मल्टीप्लाई बाय 7. सो क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, 7. सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम 749 माइनस 749 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0. इट्स मीन हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.3249 इज इक्वल टू 0.57. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास 0, 0 के बाद क्या था, पॉइंट. इसी तरह हमने आंसर में क्या लिखा है, 0 और 0 के बाद पॉइंट लिखा है और पॉइंट के बाद हमारा जो आंसर है 57. सो इसीलिए हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 0.3249 इज इक्वल टू 0.57. पार्ट वी ट्रिपल आई 0.008686 सॉल्यूशन डिवीजन 0.008686 24. सो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी पेयरिंग को किया है. पेयरिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार पेयर्स बने हैं, 0 0 8 6 8 6 और 24 का. अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 0 है तो पॉइंट से पहले जो 0 था हम उसको एज इट इज आंसर में भी लिख देते हैं और पॉइंट के बाद यहाँ पर आपके पास कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं. सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आपके पास 2 जीरोस हैं तो आपने हमेशा अपने आंसर में 1 जीरो को लिखना होता है. सो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, 1 जीरो आपने लिख दिया है. अब आपके पास जो नंबर है 86, आप इसको सॉल्व करें, 9 9 आर 81. 86 माइनस 81 5. 86 को हमने जो पेयर है इसको हमने नीचे लिखा है. सो 9 प्लस 9 18 183, यानी कि अब हमने 183 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 549. सो 586 माइनस 549 वी गेट 37. अब जो लास्ट पेयर है 24 उसको हमने नीचे लेके आए हैं, 183 प्लस 3 6 186. अब हमने 186 के साथ लिखा है 2, यानी 1862 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 3724. आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, कम्प्लीटली हमने इसको सॉल्व कर दिया है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0868624 इज इक्वल टू 0.09322.
students, all the remaining parts of question number 1 and question number 2 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Exercise 2.6, question number 1. Find the square root of the following up to 3 decimals. So students, अब हमने क्या करना है, हमने square root को find करना है, लेकिन हमने इस तरह से find करना है कि point के बाद हमारे पास कितनी decimals हो, 3 decimal places तक हमने solve करना है. So part I is 2. अब सॉल्यूशन, अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, बाय डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है. सबसे पहले आपके पास क्या है, 2, तो आपने अपने डिवीजन के अंदर क्या लिख देना है, 2. अब आपको पता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 1, बट अगर हम 2 को 2 से करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4. आपको पता है कि 4 क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर देन हो जाएगा. इट्स मीन हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सो हमने किससे किया, 1 से. 1 इज 1, 2 माइनस 1 1. अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि हम इसको हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक सॉल्व करना है. इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ऊपर पॉइंट लिखा है और पॉइंट के बाद हमने क्या लिखे हैं, 2 जीरोस को लिखा है. सो स्टूडेंट, सिंपल डिवीजन की तरह हमने इसको सॉल्व नहीं किया. आप देख सकते हैं हमने 2 जीरोस को लिखा है. 2 जीरोस का मतलब क्या है, यहाँ हम इस डिवीजन में हम जो भी काम करते हैं वो हम पेयर्स की फॉर्म में करते हैं. सो 2 जीरोस जो है, ये हमारे पास क्या है, एक पेयर है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 जीरोस खुद से लिखे हैं. अब हम क्या करेंगे, 1 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया है 2. अब 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, या तो 100 आ जाए या 100 से स्मॉलर आ जाए. सो 224 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है 96. अब 100 में से 96 को जब माइनस किया है तो हमारा आंसर क्या आया है, 4. अब हमने पॉइंट लगा चुके हैं हम ऑलरेडी, तो हमने क्या करना है, अगेन एक पेयर को हमने नीचे लिखना है. पेयर में हमने क्या लिखना है, 2 जीरोस को हमने फिर खुद से लिख दिया. अब आप देख सकते हैं 2 हमने एज इट इज लिखा, 4 को 4 में प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 8. सो 28 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 281 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 281. सो 400 माइनस 281 वी गेट 119. अगेन हमने क्या किया है, जीरोस को लिखा है, यानी जीरो को पेयर की फॉर्म में लिखा है, 00. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने 3 डेसिमल्स तक सॉल्व करना है, इसीलिए हम इसको मजीद सॉल्व कर रहे हैं. तो अब हमने क्या किया है, 282, 1 प्लस 1 2, 282 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर आ जाए, या तो इस वैल्यू के इक्वल आ जाए या इससे स्मॉलर आ जाए. सो 282 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 11296. तो ये हमारे पास क्या आया है, आंसर आया है. अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई है, 604. अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना था, पॉइंट के बाद हमने जस्ट, यानी 3 डेसिमल्स तक ही सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर है. और जो हमारे पास रिमाइंडर है, यानी कि अभी फिलहाल जो रिमाइंडर आया है 604, इसके नीचे आप में 33 डॉट्स की 2 लाइंस लगा लें, ताकि ये हमें इससे बात का आपको आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास क्या, ये प्रोसीजर अभी कंटिन्यू है, यानी इस क्वेश्चन को हम इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. बट हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने इस क्वेश्चन को 3 डेसिमल्स तक ही सॉल्व करना था. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.414. क्वेश्चन नंबर 1 के जो ये बाकी के तमाम जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो सेम इसी प्रोसीजर से होंगे. सो इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, खुद सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक अब इसको सॉल्व करना है. पार्ट आई 3.6. अब हमने क्या किया है, डिवीजन की है 3.6. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर सकते हैं कि आप 3.6 को एक ही पेयर की फॉर्म में लिख दें. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है उनके अलग से पेयर बनते हैं, और जो पॉइंट से पहले की वैल्यूज है उनका अलग से पेयर बनेंगे. अब आप देखें, अगर पॉइंट के बाद जो 6 हमने लिखा है, 6 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है कि हम इसका पेयर बना सकें, इसलिए जब हमें जरूरत होगी 6 को, जब हम नीचे लेके जाएंगे तो हमने क्या करना, खुद से एक जीरो लगा देना है ताकि हम इसका पेयर को कंप्लीट कर सकें. सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है 3, अब 3 को हमने सॉल्व किया, 1 इज 1, 3 माइनस 1 2. अब जो नेक्स्ट वैल्यू है, अब देखें, सबसे पहले आप देख लें कि पॉइंट, अब पॉइंट हमारे पास जो था, हमने एज इट इज पॉइंट को ऊपर लिखा,
सौ पॉइंट के बाद जो सिक्स है हमने उसको नीचे लेके आए, बट यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम इसको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। सो हमने खुद से क्या लिख दिया, जीरो। सो सिक्स जीरो अब हमारे पास ये क्या है, ये एक पेयर की फॉर्म में है। वन को वन में प्लस किया है तो हमारे पास क्या आया है, टू। टू अब टू को हमने क्या किया है, ट्वेंटी टू के साथ हमने लिखा है एट, यानी ट्वेंटी एट को जब हमने एट से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है टू ट्वेंटी फोर। अब हमने सॉल्व किया है, टू सिक्सटी माइनस टू ट्वेंटी फोर किया तो हमारा आंसर क्या आया है, थर्टी सिक्स। अगेन हमने क्या किया है, खुद से जीरोस को लिखा है, यानी पेयर की फॉर्म में जीरो जीरो लिखा है। अब हमने इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं टू टू एज इट इज लिखा, एट प्लस एट सिक्सटीन, यानी ट्वेंटी एट में एट को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया है, थर्टी सिक्स। 369 मल्टीप्लाई बाय 9, अब हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया है 3321। जब हम माइनस करेंगे 3600 में से 3321 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 279। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया था हमने टू डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं कि हमने इसको टू डेसिमल तक ही सॉल्व किया है। अब ये जो नीचे हमने थ्री थ्री डॉट्स लगाए हुए, इस मीन के ये क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूसली आगे चल रहा है, यानी इसको आगे मजीद सॉल्व किया जा सकता है, बट हमारे क्वेश्चन में यही था कि टू डेसिमल तक सॉल्व करें, इसलिए हमने इसके बाद सॉल्व नहीं किया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3.6 इज इक्वल टू 1.89। वी 816.081। सो सॉल्यूशन, अब हमने क्या किया है, जस्ट डिवीजन को लिखा है, अब हमने यहाँ पर पेयरिंग की है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करें, हम पॉइंट से जो पहले की वैल्यूज हैं, यानी कि 6816 इसको डिस्कस करें। आप देखें 16 का एक पेयर बन चुका है और 8 हमारे पास क्या है, सिंगल रह गया, यानी इसके इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका हम पेयर कंप्लीट करें। अब पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं 08, इसका एक पेयर बना है और जो नेक्स्ट वैल्यू है 1, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जस्ट 1 गिवन था, 0 को मैंने खुद लिखा है ताकि हमारे यहाँ पर क्या हो, पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। सो हमने 0 लिखा है, 1 0 10, अब हमारे पास ये क्या बन गया है, एक पेयर बन गया है। अब जो पहले हमारे पास वैल्यू है सिंगल वैल्यू 8, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें 2 2 और 4, 3 3 और 9, अब 8 के नीचे हम 9 नहीं लिख सकते, सो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 को 2 से किया, 2 2 और 4, 8 माइनस 4 4। अब जो पेयर 16 है हमने उसको कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है 2 2 प्लस 4। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4, अब 4 के साथ हमने लिखा है 8, 48 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 384। सो 416 माइनस 384 आंसर इज 32। अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद, सबसे पहले आप ऊपर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में हमारे पास हमने क्या लिखा है, पॉइंट लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यूज के बाद क्या था, पॉइंट था, इसलिए हमें क्या करना है, आंसर में भी दो वैल्यूज के बाद क्या डालना है, पॉइंट लिखना है। सो 28 पॉइंट, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, हमने 56, 48 प्लस 8 प्लस 8 16, सो 16 को फॉर्म में, सॉरी 48 प्लस 8 56। अब 56 के साथ हमने लिखा है 5, 56 यानी 565 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2825। अब हमने 3208 माइनस 2825 को सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया 383। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि दो डेसिमल तक हमने सॉल्व करना है, सो इसीलिए हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। जो लास्ट पेयर है 10, हमने उसको भी नीचे लेके आ गए, हमारे पास क्या बन गया है, वैल्यू क्या है, 38310। अब जो हमारे पास 565 में 5 को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 570। अब 570 के साथ हमने लिखा है 65706 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34236। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4074। सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को पॉइंट के बाद दो डेसिमल तक सॉल्व कर लिया है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 816.081 इज इक्वल टू 28.56। Students, all the remaining parts of question number 1 and question number 2 is your homework. Jazakillah, fi imanillah.